अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके यूपी बीटीसी डीएलएड एडमिशन 2019। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि डीएलएड 2019 प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड 2019 में प्रवेश का पहला चरण पूरा हो चुका है दोस्तों, और पहले चरण का प्रवेश पूरा 90,000 सीटें। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि 90,000 सीटें खाली। जी हाँ दोस्तों, ये सीटें काफी ज्यादा होती हैं। तो आप लोग सोचिए कि जो बच्चे काफी टेंशन में आ गए थे, कि जो बच्चे कह रहे थे कि सर हमारी रैंक 2.5 लाख से ऊपर है, क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि आप लोग का एडमिशन आसानी से हो पाएगा। जिन बच्चों की रैंक 2.5 लाख रैंक से ऊपर बच्चों मतलब वाले बच्चों को मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, ये आपका फेज वन अभी कम्प्लीट हुआ है। अब दोस्तों आपका अगले जो फेज थ्रू होगा उसका नाम होगा फेज टू करके आएगा। देखिए दोस्तों, एक और आपके लिए अच्छी खबर है कि सरकारी कॉलेज में भी मिल सकता है एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ सरकारी कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर जो रिजर्व कैटेगरी होती है, जैसे आप लोग के दोस्तों एक्स आर्मी मैन हो गया, ठीक है, फ्रीडम फाइटर हो गया, हैंडीकैप हो गया, अगर वो बच्चे वहां पर नहीं आते एडमिशन लेने, तो दोस्तों उसमें क्या होगा, जनरल ओबीसी एससी और एसटी सभी बच्चों को मौका दिया जाएगा, और जिन बच्चों का मतलब मेरिट हाई होगी उनको सीधे सिलेक्शन दिया जाएगा, मतलब एडमिशन दोस्तों। लेकिन इसमें देखिए, आगे चलकर जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वहां पर कैटेगरी आपकी नहीं चलेगी, मतलब सिंपल सी बात होगी, जिन बच्चों के मतलब नंबर ज्यादा होंगे उनको सीधे दाखिला मिल जाएगा। तो ये है बड़ी खबर। तो दोस्तों चलिए पहले पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में क्या खबर आई थी हमारे, कि पहले चरण का प्रवेश पूरा हो चुका है, 90,000 सीटें हैं खाली। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये डीएलएड का फुल फॉर्म है। 2019 में प्रवेश का पहला चरण पूरा हो गया है। सरकारी व निजी कॉलेजों में सभी सीटें भर नहीं सकी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आप लोग की सरकारी व निजी कॉलेजेस में, ठीक है, सरकारी कॉलेज की भी पूरी सीटें नहीं फुल हुई हैं, करीब 90,000 से अधिक सीटें खाली हैं, क्योंकि निजी कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अब दूसरे चरण की काउंसलिंग 16 अगस्त से होगी, साथ ही प्रशिक्षण 6 अगस्त से शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है कि आप लोगों को जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी वो 16 अगस्त से होने वाली है। तो दोस्तों अभी हम आपको उसका पूरा शेड्यूल आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर देखिए दिखा रहे हैं आपको कि जो आप लोग का सेकंड राउंड की काउंसलिंग का शुरुआत दिनांक दे रखा है, टाइम 16 अगस्त से लेकर दोस्तों 26 अगस्त तक हो सकती है आपकी सेकंड काउंसलिंग, और जिसका रिजल्ट हमारा 30 अगस्त को आएगा। मतलब दोस्तों ये आपका फेज टू है, फेज वन आपका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अगर आप लोग को आज के दिन एडमिशन चाहिए तो फिलहाल अभी आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये फेज टू जब आपका शुरू होगा तब आप लोग सीधे दाखिला पा सकेंगे, एडमिशन पा सकेंगे। तो अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, काफी बच्चों को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों उसका रीजन ये था कि आपने सिर्फ एक कॉलेज का विकल्प चुना और आपकी कैटेगरी वहां पर सारी सीटें फुल हो गई। तो इससे आपको बिल्कुल भी परेशान, हताश, निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं दोस्तों, काफी सीटें खाली है। देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड प्रवेश के लिए 2,50,000 रैंक तक अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया है। दावा है कि पहले चरण में 1,38,000 सीटों पर अभ्यर्थी प्रवेश लेंगे। इनमें से 67 डाटो में 10,600 सीटें थी, मतलब जिनमें से 10,032 सीटें आवंटित हो चुकी हैं, जबकि 568 सीटें अभी खाली है। लेकिन दोस्तों ये आपकी विशेष आरक्षित वर्ग की सीटें हैं। वही दोस्तों, जैसे हमने आपको बोला कि एक सर्विस मैन हो गया, फिजिकल हैंडीकैप हो गया, फ्रीडम फाइटर, और दोस्तों वही 3,087 निजी कॉलेजों में 2,18,550 सीटें थी, उनमें से 1,28,410 ही आवंटित हो सकी है, 90,140 सीटें अब भी खाली हैं। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि पहले चरण में जिन अभ्यर्थियों को मनपसंद कॉलेज आवंटित हो गया है, वे 4 अगस्त की शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रवेश ले लें, और उनका प्रशिक्षण प्रदेश भर में 1/7/6 अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो आप लोग की एक चीज और है, जो आप लोग 3 लाख से ऊपर जिन बच्चों की रैंक है, 2,51,102 उनकी देखिए रैंक लिस्ट यहाँ पर, उसकी दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। तो आपके स्क्रीन पर शो रहा है कि जिनके फर्स्ट बच्चे की रैंक है 2,50,001 रैंक, और दोस्तों अंतिम रैंक हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग की जो अंतिम रैंक आ रही है 3,33,090 रैंक है दोस्तों, ये सुधीर जी की है। तो आप लोग को दोस्तों ये पता होना चाहिए कि आपकी रैंक कितनी है, एक बार आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई नाम में गलती वलती तो नहीं है। तो इससे ये भी आपको फायदा होगा कि आपका नाम शो रहा है कि नहीं, आपका रिजल्ट आया है नहीं। तो आप लोग पीडीएफ को दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके दोस्तों कमेंट बॉक्स में नीचे जाएंगे तो एक आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों पीडीएफ के माध्यम से आप देख पाएंगे कि आपकी रैंक क्या आ रही और कैसे क्या चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग का पूरा कैसे होगा आगे, सेकंड राउंड जो फेज टू होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों देखिए,
सिक्स नंबर पॉइंट पढ़ते हैं कि अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय व निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों के से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण आपका था 17 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है। ये प्रथम चरण का मतलब दोस्तों फर्स्ट राउंड नहीं, ये फर्स्ट फेज है। काफी बच्चे इसको गलती समझ गए, इसके वजह से काफी बच्चों की काउंसलिंग छूटी। प्रथम चरण का दोस्तों यहाँ सीधा मतलब है आपका फर्स्ट फेज से, ना कि फर्स्ट राउंड से, क्योंकि दोस्तों आप लोग के फर्स्ट फेज में 3 राउंड थे, जो 17 से 19, 19 से फिर आपका 20 से 24 और लास्ट में दोस्तों 26 से 30 जुलाई तक चला, जिसका रिजल्ट 31 जुलाई को कल जारी हो गया। तो अब दोस्तों देखिए क्या है, सातवां नंबर क्या है, काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश की कार्रवाई करना, प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना संबंधित संस्थान द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना। देखिए 5 अगस्त तक दोस्तों वेबसाइट पर आ जाएगा कि कहां पर कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, कितने बच्चे जो अभिलेखीय जांच जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो गए हैं। कुछ बच्चे होता है भाई सब गलत सलत बनवा के लाते हैं और नंबर ज्यादा से ज्यादा लिख कर दोस्तों उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपके जो डीएलएड का होता है ना, पूरा आपका ये नंबर सिस्टम पर आधारित है। मतलब एक तरीके से अगर आपने हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन में गलती से या जानबूझकर दोस्तों अगर आपने ज्यादा नंबर दिखाए तो आपका एडमिशन दोस्तों मैक्सिमम टाइम कैंसिल कर दिया जाता है। उसका रीजन ये है कि अगर आपने झूठ में नंबर ज्यादा दिखाते तो दोस्तों आपके नंबर के अनुसार आपकी मेरिट बनती है और आपके मेरिट के अनुसार आपको कॉलेज मिलता है। तो ये रहता पूरा मामला। अब दोस्तों 9 नंबर पॉइंट क्या है कि अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रह जाती, तो दोस्तों आपने देख लिया कि 90,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर सीटें खाली रहती हैं तो रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन हेतु तो अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग के द्वितीय चरण की तिथि हमारी दी गई है 16 अगस्त से लेकर दोस्तों आप लोग की 26 अगस्त तक। तो ये होगा आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग या फेज टू। और दोस्तों जैसे इसकी पूरी डिटेल्स आएंगे हम आपको यूट्यूब पर अपडेट कर देंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर हमारे नए हो तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए सब्सक्राइब दोस्तों आपको कैसे करना है, आपके देखिए जब वीडियो प्ले करेंगे नीचे आपको रेड कलर का लिख क्या आ रहा होगा, ऐसे सब्सक्राइब लिखा, उसको हल्का सा आपको अपने फिंगर से टच कर देना उंगली से, जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो सही है दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों अपने से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि भाई अभी तक जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। देखिए अगर आपको दोस्तों आपका मन चाहे प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला तो आपके लिए एक और खुशखबरी हम बता दें कि वहां पर भी दोस्तों आरक्षित वर्ग की जो स्पेशल आरक्षित वर्ग होती है वहां पर भी उनकी सीटें रिजर्व रहती है दोस्तों। तो मतलब कि जो भी दोस्तों बच्चे अगर मान लेते हैं आरक्षित वर्ग के बच्चे भी है तो वो अभी सीधे डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे, आपके कॉलेज नहीं आएंगे। तो मतलब सिंपल था दोस्तों कि वो बच्चे अगर डायरेक्ट कॉलेज में जाते हैं, ठीक है आइए बात समझिए। तो अभी विशेष आरक्षित वाली जो सीटें दोस्तों बचेंगी उसमें प्राइवेट के बच्चे मतलब जिन बच्चों का नंबर कम है वो सीधे दोस्तों वहां पर एडमिशन ले पाएंगे। तो अभी दोस्तों हो सकता है कि डायरेक्ट एडमिशन देखने को हमें मिल सकता है। अगर दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन होता है तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन से आपके लिए दोस्तों अच्छी खबर कैसे होगी इसको समझते हैं पहले। डायरेक्ट एडमिशन दोस्तों जैसे जो आपकी विशेष आरक्षित वर्ग की सीटें हैं और जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं तो वो सीधे दोस्तों प्राइवेट कॉलेज से जाकर बात कर सकते हैं, उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। देखिए एक और चीज दोस्तों कि अभी काफी बच्चे ने एक सवाल हमसे पूछा कि सर अगर हम सीधे कॉलेज जाएंगे तो हमारा क्या फायदा हो गया नहीं। देखिए दोस्तों अगर कुछ कॉलेजेस की सीटें खाली है, देखिए कॉलेजेस वाले तो बोल देते यार हमारा कॉलेज का मतलब भर दो रैंक में, मेरिट मतलब काउंसलिंग करा दो हमारे कॉलेज से। और दोस्तों कुछ बच्चों को कॉलेज नहीं मिला, उन्होंने तो बोला कि आपको मिल जाएगा 1.5 लाख रैंक की, आपकी आसानी से हमारा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उन बच्चों को कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ उनका, और अब वो बच्चे ना वो कॉलेज मिला ना कोई और मिला, अब वो बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखिए दोस्तों अभी आपको परेशान नहीं होना, अभी आपकी जो फेज टू आएगी, अभी लाखों सीटें दोस्तों खाली, लगभग क्या 90,000 तो लगभग 1 लाख सीट के बराबर होने वाला है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, डायरेक्ट एडमिशन या जो आप लोग की विशेष आरक्षित वर्ग की सीटें होंगी। देखिए दोस्तों एक चीज और हम आपको बता दें, आपको 1 भी रुपये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर रखा है तो आपको 1 भी पैसा ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ऐसे कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं जहाँ पर कोई अदर चार्ज नहीं लिया जाता। जैसे कुछ कॉलेजेस होते हैं दोस्तों कि आप हो सकता है कि आपसे मैनेजमेंट फीस वसूल कर सकते हैं, कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि
आपका सब कुछ मैनेज करना, लेकिन दोस्तों वो कुछ कर भी नहीं पाते। तो अगर आप लोग मैनेजमेंट फीस देने के लिए तैयार है तो और भी कॉलेजेस में एक बार बात कर लीजिएगा जहां डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। तो दोस्तों क्योंकि आपकी फीस, आपकी देखिए प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 रुपए है, तो आपको 1 रुपया ज्यादा नहीं देना। उसके बाद दोस्तों हो सकता है कि एडमिशन के बाद दोस्तों आपसे 2 से 3 हजार रुपए का एक अलग से फॉर्म भरा जाए, मतलब 2,000 से लेकर 3,000 रुपए का अलग से आपको दोस्तों पैसे देने पड़ सकते हैं, कि मतलब झूठ में बोल देंगे कि भाई कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है, इसको भरिए, 3,000 रुपए दीजिए। तो ये पैसे दोस्तों ऐसे फिलहाल नहीं देने चाहिए, लेकिन अब क्या करेंगे, आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा, कॉलेज की मनमानी आप कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारे पास फीस मेंशन की गई है वेबसाइट पर ऑफिशियल, वो 41,000 लेकर ही की गई है। अगर कोई फीस एक्स्ट्रा थी दोस्तों तो उसे पहले बताया जा सकता था, लेकिन दोस्तों जो होगा आपके सामने है। तो फिलहाल अभी 90,000 से ज्यादा सीटें खाली है। देखिए दोस्तों अभी आपको एक काम और करना है कि आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कैसे, क्या प्रोसेस क्या होगा। देखिए दोस्तों अभी लोग आपको सबसे पहले काम करना है कि जितनी भी वैकेंट सीटें हैं यूपी में, हर एक कॉलेज में, हर एक डायट में, ठीक है, तो आप लोग पहले उस पर दोस्तों वैकेंट सीटों को ऑनलाइन देखेंगे। देखिए उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे, उस वीडियो का दोस्तों ये का लिंक, और हम वीडियो बनाने वाले हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग देख पाएंगे दोस्तों कि हर एक डायट कॉलेज में कहाँ पर कितनी वैकेंट सीटें हैं। तो दोस्तों इससे आपको अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और आपको सबसे पहले हर जगह की वैकेंट सीटें चेक करना है, उसके हिसाब से आपको अपना एडमिशन का पूरा प्रोसेस करना है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आई होप ऑल द बेस्ट। आप मतलब वीडियो पसंद आई हो आपको, और ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप लोग जहाँ चाहते हो वहाँ आपको एडमिशन मिले, और बीटीसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर मिलते हैं।